यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको पता है रोपीरो वाइस टाउन का 4.9 न्यू अपडेट आ चुका है। दोस्तों इसमें सब कुछ क्रिसमस के हिसाब से डेकोरेट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले हेलोवीन के पुतले हुआ करते थे वहाँ पर आ गए हैं ये, और इसे अभी मैं लात मार के फोड़ देता हूँ। देखा दोस्तों, हेलोवीन फूटते नहीं थे लेकिन ये फूट जाते, और ये मेरे घर के पीछे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा, ये देखिए क्या शानदार वाला क्रिसमस ट्री है। दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिम करके देखता हूँ। ओ भाई, चढ़ तो गया लेकिन मैं चढ़ा किसके ऊपर? ओ यार, यहाँ जो गिफ्ट के डिब्बे हैं मैं इनके ऊपर चढ़ गया, लेकिन मैं लात मार रहा हूँ इनको, ये खुल ही नहीं रहे हैं। दोस्तों चलो कोई नहीं यार, एक बार फिर से हम इसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करते हैं। क्या मैं इस पैड के ऊपर चढ़ सकता हूँ? नहीं दोस्तों, हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। और यार गिर गया मैं तो बहुत भयंकर तरीके से, मेरे चोट आई है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपको सारे चेंजेस दिखाने वाला हूं। जो भी वाइस टाउन में नया बदलाव आया है दोस्तों, वो सब आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। हम पूरे वाइस टाउन को कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूं, और ये देखो दोस्तों क्या बात है। दोस्तों ये है आयरन सूट जो कि इस अपडेट में बिल्कुल फ्री मिलता है, और अब मैं बन गया हूँ आयरन मैन। ओ भाई ये क्या, ये तो यार डर के ही गिर गया मेरे वजह से। तो दोस्तों अभी आपका भाई बन चुका है आयरन मैन, रोप हीरो से आयरन मैन बन गया हूँ मैं। और ये पहले जहां पंपकिन हुआ करता था उसकी जगह आ गई है ये सांता क्लॉज की पोटली। दोस्तों तो दोस्तों इसमें से भी गिफ्ट निकलते हैं जो कि हमने ले लिए, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक बीच पे जहाँ पर हमने ये क्रिसमस ट्री देखा है। अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस क्रिसमस ट्री की टेस्टिंग करेंगे, वो भी अगेंस्ट ग्रेनेड के। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस ट्री की कैपेसिटी देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या हम इसे जला सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम ट्राई करते हैं, और उससे पहले हम इसे फ्रीजिंग बम डाल के फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो पहले से ही फ्रीज हुआ पड़ा है, इस पर तो काफ़ी बर्फ़ लगी हुई है पहले से। तो दोस्तों चलो इस पर हम आग लगाने की ट्राई करते हैं। और ये भाई, इसके तो आग भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी आग नहीं लग रही दोस्तों इसको। ये मैंने कितनी बार इसे जलाने का ट्राई किया है, लेकिन देखो आप सबके सामने ये जल भी नहीं रहा है। मतलब ना ही तो हम इसे फ्रीज कर सकते हैं, ना ही इस पर जो बर्फ़ लगी हुई है उसे पिघला कर इस पेड़ को जला सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसके ऊपर ग्रेनेड डाल रहे हैं, लेकिन इसके तो ग्रेनेड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी इस पेड़ को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पड़े हुए गिफ्ट्स को कुछ फर्क पड़ रहा है ग्रेनेड से। तो दोस्तों अभी हमने निकाल लिए आरपीजी। यार आरपीजी तो बड़े बड़े व्हीकल्स तबाह हो जाते हैं, लेकिन इस ट्री को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। यार ये सांता क्लॉज का क्रिसमस ट्री है दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फिर कोई फायदे वाली बात है नहीं। हमने इतना ट्राई किया है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस ट्री के। और दोस्तों हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं बीच पे, और ये भाई रोप हीरो गिर गया है यार नीचे। लेकिन यहाँ मुझे कुछ अजीब सा दिखा भाई, ये क्या है? अबे ये क्या है भाई? अरे ये बंदा तो जिंदा चलता फिरता पेड़ बना हुआ है यार। अरे भाई इसके अंदर तो टिप्सन दादा है। तो दोस्तों अभी हम इसको मार देते हैं, ये टिप्सन दादा है हमारे, ये क्रिसमस ट्री बन के घूम रहे। और ये जोकर सा कौन है भाई, इसे भी अभी बताता हूँ मैं, इसे भी मार देता हूँ दोस्तों। ये जोकर मेरे से फाइट करेगा, हट। तो दोस्तों हमने टिप्सन दादा जो कि अबे फिर से जिंदा। दोस्तों देखो ये टिप्सन दादा ये हैं हमारे, ये देखो टिप्सन दादा यार क्रिसमस ट्री बने हुए हैं, लेकिन हमने अभी इनको मारा था। टिप्सन दादा का यही वाला सीन सबसे खतरनाक है, उन्हें कितनी बार भी मार दो वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। और यार ये मोटा कौन है यार, इसके पॉकेट से ये निकल क्या रहा है दोनों तरफ से, ये भी मुझे देखना होगा। इसकी पॉकेट से यार ये चॉकलेट्स निकल रही है, मैं सोच रहा हूँ इसे मार के मैं सारी चॉकलेट्स एक बार में ही सारी की सारी मैं ही ले लेता हूँ दोस्तों। तो आइडिया कैसा लगा आपको यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी इसी तरीके से इस मोटे को मार के खूब सारी चॉकलेट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसको जान से मार दूंगा, लेकिन यार इतनी लात मारने के बाद भी ये मोटा मरा क्यों नहीं? ओ भाई अब मर गया, अब मैंने इसको गोली मारी और ये मर गया। लेकिन यार इसकी जेब से कोई चॉकलेट्स नहीं निकली, कुछ पैसे जरूर निकले थे जो मैंने ले लिए हैं। और अभी मैं चलता हूं आगे की तरफ, और दोस्तों आपको दिखाता हूं, ये है हमारा कॉलेज। यार इसके बाहर भी एक क्रिसमस ट्री है और काफी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, और इस चौराहे पर भी यार क्या मस्त क्रिसमस ट्री है दोस्तों। तो चलो यार एक सेल्फी तो हमारी यहां बनती है दोस्तों। यहां पर भी कोई गिफ्ट कार्ड नहीं खुल रहा यार, ये क्या है भाई? पुलिस आ गई यार, काहे की सेल्फी भाई, निकल लो इधर से। तो दोस्तों जल्दी से चल के हम दिखाते हैं आपको हमारा आर्मी बेस। आर्मी बेस कैसा डेकोरेट हो रखा है यार, यहाँ कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है आर्मी बेस और यहाँ के लोग थोड़ा कम इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है बड़ा वाला, और यहाँ पे भी दोस्तों एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। यार क्रिसमस ट्री है चारों तरफ। तो जल्दी से चलते हैं कैसीनो, कैसीनो के बाहर कोई क्रिसमस ट्री नहीं है, लेकिन मुझे पक्का लग रहा है ऐसा कि कैसीनो के अंदर जरूर डेकोरेशन होगी क्रिसमस वाली दोस्तों। तो जल्दी से चलते हैं कैसीनो के अंदर, और देखते हैं अंदर क्या मस्त डेकोरेशन हो रखी है।
और दोस्तों हम बस अभी लोडिंग करके अंदर जा ही रहे हैं। ओ भाई, अरे क्या बात है गार्ड साहब, यहाँ पे मैंने एंट्रेंस पे डेकोरेशन क्यों नहीं करवा रखी? अरे भैया, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, कोई मैनेजर थोड़े हूँ, मुझे क्या पता, आगे जाके मैनेजर से पूछो। तो चलो दोस्तों जल्दी से अंदर चल के देखते हैं यार कहाँ क्या डेकोरेशन हो रखी है। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी डेकोरेशन दिखाई नहीं दे रही, एज सिंपल जैसा ये हमेशा रहता है वैसे के वैसा ही है। यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं है क्रिसमस को लेके। तो दोस्तों इस तरफ तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं दिखा और यहाँ पर सब के सब वैसे ही है जैसे पहले था। तो दोस्तों डांसिंग, ओ भाई डांसिंग स्टेज पे तो भाई है भाई बदलाव है। इस बार क्रिसमस पे हमें ये बंदी मिली है अकेली जो कि इस डांसिंग बोर्ड पे डांस कर रही है दोस्तों। तो हम भी इसके साथ आके यहाँ डांस कर सकते हैं क्योंकि पहले हम यहाँ आते थे और अकेले ही डांस करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने न्यू अपडेट में हमारे लिए भी एक बंदी रख दी है यहाँ पे कि तुम आके यहाँ उसके साथ डांस कर सकते हो। वो कपल डांस कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन भाई इसके लग गई चोट और मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ वरना वो बंदी अब मुझे नहीं छोड़ेगी। और भाई इसके क्या हाल है, ये यहाँ क्या कर रही है भाई, इसको बैठने के लिए चेयर भी नहीं दे रखे। चलो कोई नहीं, छोड़ो हम तो यहाँ से बाहर चलते हैं दोस्तों, यहाँ कोई डेकोरेशन नहीं मिली हमें। दोस्तों लगता है इस बार कैसीनो वाले क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ कोई डेकोरेशन नहीं है क्रिसमस की। इसको देख के लगता है कि ये लोग इस बार क्रिसमस नहीं मनाने वाले। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री है यार, और मैंने इतनी देर से एक भी क्रिसमस ट्री के साथ में सेल्फी नहीं ली। और आपको तो पता ही है आपका रोप हीरो यार सेल्फी से बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ लेता है यार। लेकिन अभी हम यहाँ उड़ के देख लेते हैं आजू बाजू में क्या हालचाल है, भाई कोई है हमारे साथ सेल्फी लेने वाला? कोई नहीं है। तो दोस्तों हमने एक सेल्फी ले ली है फटाक से ताकि हम टिप्सन दादा को जाके दिखा सके कि टिप्सन दादा देखो यार क्या मस्त सेल्फी ली है मैंने। यार इंस्टा पे डालूंगा मैं ये सेल्फी बहुत जल्द दोस्तों, एक दो सेल्फियाँ और ले लेता हूँ फेसबुक के लिए भी। और यार ये पीछे जोकर सा कौन आ रहा है? अबे जोकर, अभी हमने इसको मारा था ना। चलो दोस्तों अभी एक बार इसको भी मार देते हैं यहाँ पर फटाक से, अपनी सेल्फी स्टिक से ही हम इसे यहीं सलटा देंगे दोस्तों। और ये हमारी फाइट स्टार्ट हो चुकी है इसके साथ, और इसकी तो मैं टंगड़ियाँ तोड़ दूंगा यार, ये है कौन यार ये? तो दोस्तों हम पे तो यार यहाँ पे क्रिमिनल चार्ज अप्लाई हो चुका है दोस्तों, और मैं इसे भी फोड़ के जाऊँगा। ये लो एक ही चोट में इसे तो हमने फोड़ दिया है। और अब हम यहाँ से निकलते हैं फटाक से क्योंकि हमारा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। और मैं आपको अब लेके चलता हूँ नई जगह। जी हाँ दोस्तों, हम वाइस टाउन से बाहर आ चुके हैं और ये आपको सामने छोटा वाला आर्मी बेस दिख रहा होगा दोस्तों। ये छोटा आर्मी बेस है, यहाँ पे आर्मी के लोग थोड़े कम रहते हैं इसलिए इसे हम छोटा आर्मी बेस बोलते हैं दोस्तों। और अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ यार कोई डेकोरेशन नहीं है, क्या चक्कर है? ओ भाई है यहाँ पे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है जिसे भी मैं फोड़ देता हूँ। मुझे लगता है ये वाले बेचारे छोटा क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि ये छोटे आर्मी बेस के जवान हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीक्रेट पैलेस के अंदर चल के देखते हैं यहाँ अभी कोई नई अपडेट आई है या नहीं, यहाँ पर क्या डेकोरेशन है। भाई यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वो ही पंपकिन की जगह वो पोटली रख दी गई है और उसके अलावा कोई क्रिसमस ट्री भी नहीं है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हम फालतू में यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं मिला हमें और हम चलते हैं। अरे वाह, हमारा हेलीकॉप्टर अभी यही है, तभी तो यार मैंने इसको आर्मी वालों के सामने खड़ा किया था क्योंकि किस चोर की हिम्मत है जो आर्मी वालों के सामने से हेलीकॉप्टर चुरा के ले जाए। इसीलिए हमें हमारा हेलीकॉप्टर वहीं मिल गया जहाँ हमने खड़ा किया था, अदरवाइज हमें कभी भी वो चीज़ बाहर नहीं मिलती जो हम छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं लाइट हाउस पे, और लाइट हाउस पे तो देखो यार क्या शानदार वाला क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, एक सेल्फी इसके साथ भी बनती है। तो दोस्तों यहाँ भी मैंने एक सेल्फी ले ली है। तो देखा दोस्तों लाइट हाउस पे भी शानदार वाली डेकोरेशन हो रखी है यार, यहाँ भी पेड़ों के अंदर लाइटें लगा रखी है मस्त वाली, और एक क्रिसमस ट्री बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों ही थे। लेकिन हमारे फार्म हाउस पे कोई भी क्रिसमस ट्री नहीं है यार, ये क्या बात है? अच्छा है, एक छोटा सा क्रिसमस ट्री यहाँ भी है दोस्तों, और यार ये पुलिस क्या चाहती है हमसे पता नहीं। तो दोस्तों अब जल्दी से हम आपको लेके चलते हैं स्टेडियम में। दोस्तों एक स्टेडियम ही बच रहा है जहाँ अभी तक हम नहीं गए, तो यार स्टेडियम में भी यहीं इतनी दूर से ही नज़र आ रहा है एक क्रिसमस ट्री। जी हाँ दोस्तों, बड़ा क्रिसमस ट्री बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है स्टेडियम के। चलो इसे नजदीक से चल के देखते हैं। और यार दोस्तों हमने ये वाली टेस्टिंग तो की नहीं, क्या हम हेलीकॉप्टर से इस क्रिसमस ट्री को डैमेज दे सकते हैं? यार ये क्या हुआ, फ्री निकल गया। चलो एक बार फिर से इसमें हेलीकॉप्टर ठोक के देखते हैं यार। ओ भाई, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये मजबूती से यहीं खड़ा हुआ है दोस्तों। और अब हम यहां से निकलते हैं यार, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। और यार मैं तो भूल गया था, ये सिनेमा हॉल अरेना, यार अरेना के अंदर क्या नई अपडेट आई है वो भी हम देखेंगे दोस्तों अभी चल के। तो हम हेलीकॉप्टर को यहीं, भाई इसके बाहर भी एक मस्त वाला
क्रिसमस ट्री लगा हुआ है दोस्तों, बड़ा वाला। तो सबसे पहले मैं जल्दी से अंदर जाके देखता हूँ अंदर क्या डेकोरेशन हो रखी है इस अरेना में। तो दोस्तों यहाँ तो कुछ भी नहीं है अंदर की साइड, तो यार जैसा पहले होता था सिंपल वैसे ही है। चलो कोई नहीं दोस्तों, बाहर की अपडेट देख लेते हैं, बाहर क्या क्या डेकोरेशन हो रखी है। यहाँ पर वही गुड्डा बैठा हुआ है बर्फ वाला, इसे भी मैं अभी फोड़ देता हूँ। यार ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा तो है लेकिन यार फोड़ने में मजा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने यार एक अपडेट और चेक नहीं की, ये वाली जो, ओ भाई ये क्रिसमस ट्री मिल गया हमें छोटा वाला। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इस छोटे वाले क्रिसमस ट्री को लेकर सामने वो जो मेट्रो स्टेशन है सबवे वाला उसके अंदर चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या हम ऐसी चीज़ों को साथ लेके जा सकते हैं दूसरे स्टेशन पे। चलिए दोस्तों ये वाली टेस्टिंग और भी गजब होने वाली है, एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन या सबवे स्टेशन पर हम कोई चीज़ को लेके जा सकते हैं यानी नहीं लेके जा सकते। दोस्तों यार हमने जो वो ट्री लिया था वो उसी स्टेशन पर रह गया, इस पर आया ही नहीं। चलो कोई नहीं दोस्तों, इस बार हम इस गुड्डे को लेके जाते हैं अपने साथ, और ये मैंने इसे उठा लिया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या हम इसे लेके अंदर जा सकते हैं, और वापस बाहर आके देखूंगा दोस्तों मैं। और वापस मैंने यहीं से एग्जिट ले लिया, तो देखा दोस्तों वो गुड्डा वहीं रह गया, मतलब मेन एंट्रेंस का जो गेट है वहीं पर रह जाता है जो भी प्रोडक्ट हम लेके जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार मैं यहाँ से फिर से वापस एग्जिट लेता हूँ उसी मेट्रो स्टेशन से जिसके अंदर हम घुसे थे। देखा दोस्तों फिर से ये वहीं रह गया, मतलब ये कोई ग्लिच नहीं है। लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्या इसे यहाँ से लेके हम दूसरे स्टेशन से निकल सकते हैं इसके साथ, क्या पता फर्स्ट टाइम पर ग्लिच रहा हो। लेकिन नहीं दोस्तों, मतलब हम जो भी सामान लेके जाते हैं वो सबवे के मेन एंट्रेंस पर ही रह जाता है दोस्तों, जिसमें हम एंट्री लेते हैं उसी में। अगर हम उससे दूसरे स्टेशन पे निकलते हैं तो वहां वो सामान हमारे साथ नहीं आएगा, और अगर उसी स्टेशन से हम वापस एग्जिट कर जाते हैं तो भी वो सामान वहां से नहीं आएगा। वैसे वो वहां गेट पे रखा रहता है, हम वापस उसे वहां से उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये नई अपडेट आपको कैसी लगी? वॉइस टाउन में अभी तक जो भी अपडेट आई है हमने आपको सारी दिखा दी, सभी जगह जा जा के दोस्तों, जैसे कि हेलोविन की जगह देखा है आपने कि ये गुड्डा आ गया है, और पेड़ों के अंदर लाइटें लगी है, हमारी किचन दादा क्रिसमस ट्री बन गए हैं, और भी दो तीन नए कैरेक्टर आए हैं जिनके साथ में हमने फाइट की थी। एक वो पैसे भगाने वाला, मतलब जो चॉकलेट भगाता है वो मोटा, और ये दोस्तों ये लड़की आ गई है उसकी जगह, जो पहले चुड़ैल घूमती थी ना एक ग्रीन कलर की, उसकी जगह ये बंदी आई है। यार ये तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना यार। दोस्तों इसी के साथ हमारी जो भी नई अपडेट थी वॉइस टाउन सिटी के अंदर विजुअली, वो हमने कंप्लीट कर दी है। कोई भी जगह कोई भी लोकेशन हमने छोड़ी नहीं है, सारी अपडेट आपको दिखा दिए दोस्तों। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। अब बस एक ही सेक्शन बचा है जो अभी तक हमने आपको नहीं दिखाया, वो है शॉप। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि शॉप में नया क्या आया है। ये आया है सांता क्लॉज का ड्रेस दोस्तों, इसको पहनने के लिए हमें इसे खरीदना होगा। इसको खरीदने पर हमें एक सांता क्लॉज की गाड़ी मिलेगी, एक स्नो थ्रो और गन मिलेगी, उसके अलावा चॉकलेट्स मिलेंगे दोस्तों, और दोस्तों हमें मिलेगा ये सूट दोस्तों, इसके लिए 890 रुपये लगेंगे। उसके अलावा हम खरीद सकते हैं एक, ये नई अपडेट आई है सांता क्लॉज की बियर्ड और ये टोपा दोस्तों, इसे भी 590 रुपये में खरीदा जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका रोप हीरो बन जाए सांता क्लॉज, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना होगा, और सभी को कमेंट करना होगा वीडियो में कि हमें ये सब खरीदना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आयरन सूट जो पहन के हम घूम रहे थे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इस न्यू अपडेट में हमें बिल्कुल फ्री में मिला है दोस्तों। तो इसे पहन के तो हम घूमे ही हैं पूरे वॉइस टाउन में। लेकिन इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम खरीद लें ये सारे सूट सांता क्लॉज वाले, सांता क्लॉज की गाड़ी, वो बाइक और गाड़ी दोनों खरीद लें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा दोस्तों। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे सांता क्लॉज बना के हमारे रोप हीरो की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।